हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अभी से कुछ दिनों पहले मैंने जो है कुछ सामान ऑर्डर किया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स शॉप से, यानी कि वेबसाइट से, इनकी वेबसाइट से। एंड यहां पर जो है आज मुझको ये सामान डिलीवर हो चुका है एंड मैं जो है आज इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि मैंने क्या क्या सामान मंगवाया है एंड किस किस टॉपिक्स पर आपको जो है आगे वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड इस पैकेज को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा बिल भी दिखा दूंगा कि इसमें कौन कौन सा मैंने इसमें सामान मंगाया है एंड कितने कितने रुपए का मुझको पड़ा है। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है प्राइजेस शो हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये है हमारा एक बिल जो कि इसमें से मुझको मिला है एंड यहाँ पर जो है कुछ सामान जो मैंने इसमें मंगा रखा है। आप वीडियो को पॉज करके एंड ये सब देख सकते हैं कि कौन सा सामान कितने का मिला है मुझको। एंड इसमें जो है एक कूपन कोड भी मैंने अप्लाई किया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अनरैप कर लेता हूँ एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना। एंड इस पर जो है अभी वीडियोस आने वाली हैं, मतलब मैं NodeMCU के बारे में एंड एक दो कंपोनेंट्स और हैं उसके बारे में भी मैं आपको काफ़ी मतलब डिटेल में वीडियोस देने वाला हूं। तो उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहां पर जो है सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट है, ये है हमारी एक NodeMCU, ये है ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल के साथ में। तो ये जो है हमारी एक डेवलपमेंट बोर्ड प्लस वाईफाई मॉड्यूल होता है, इसको जो है हम यहाँ पर प्रोग्राम भी कर सकते हैं एंड ये जो है वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है जिससे कि जिसकी मदद से हम जो है इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से भी। बस इसमें जो है इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, ये इंटरनेट के साथ में अगर कनेक्टेड रहेगी तो हम इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड हमें जो है इसकी प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। एंड अगर आपको नहीं आती है तो फिर इसी चैनल पर आपको जो है इसकी प्रोग्रामिंग भी मैं सिखाऊंगा। एंड इसमें जो है कई सारी पिंस होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो मैं डालने वाला हूँ। तो आपको जो है इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यह है हमारा ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल, ये वाला जो आपको सिल्वर कलर का चिप दिख रहा है यही है हमारा मेन वाईफाई मॉड्यूल एंड बाकी ये हमारा एक डेवलपमेंट बोर्ड है। यहाँ पर रीसेट बटन एंड आपको एक फ्लैश बटन भी दिया हुआ है जो माइक्रो USB के पोर्ट के अगल बगल में दे रखे हैं। तो इसके ऊपर में हम डिटेल वीडियोज़ में बात करेंगे। इसके बाद में मैं नेक्स्ट कंपोनेंट पर आता हूँ जो कि ये मेरा एक PIR मॉड्यूल, वो है ये वाला। तो इसको आप देख सकते हैं, ये है एक मोशन सेंसर, यानी कि अगर आप इसके सामने से होके जाएंगे तो ये जो है आपकी मोशन को सेंस कर लेगा एंड आपको जो है फाइनल में आउटपुट दे देगा इसकी आउटपुट पिन पर। एंड इसके ऊपर मैं भी जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो फिर आप जो है आपको जो है उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ये इतना है कि ये जो है ये सेंस करता है हमारी ह्यूमन की प्रेजेंस को एंड ह्यूमन बॉडी को एंड कुछ ऐसी बॉडी जिसमें कि इनर्ट हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि जैसे हम ह्यूमन हैं तो फिर हम जैसे ही मूव करेंगे तो फिर ये हमें सेंस कर लेगा एंड जब तक हम फ्रीज रहेंगे एक ही जगह पर तो ये हमें सेंस नहीं करेगा। एंड इसमें जो है दो पोटेंशियोमीटर्स भी दे रखे हैं जिससे कि इसकी टाइमिंग एंड इसकी दूरी यानी कि रेंज इसकी सेट कर सकते हैं। इसमें जो है लगभग ये 1 मीटर से एंड 3 मीटर तक इसकी रेंज होती है, 3 मीटर 5 मीटर तक। एंड इसमें जो सेकंड्स हैं वो यहाँ पर 3 सेकंड से 0.3 मिली सेकंड से एंड 300 मिली सेकंड तक हम जो है इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। एंड ये जो है एक जंपर वायर दे रखा है, इसके 2 मोड्स होते हैं तो दोनों मोड्स को बदलने के लिए इसमें जो है एक जंपर वायर कनेक्टर भी दे रखा है। अब इसके बाद में मैं अगले कंपोनेंट की बात करता हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास में है कुछ हॉल सेंसर्स, इनके बारे में अभी बात करते हैं। इससे पहले हमारे पास में एक वाईफाई मोड RF ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो कि है हमारा 15 MHz पर काम करने वाला,
इसके बाद में इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप इससे रिमोट कंट्रोल कुछ बना सकते हैं इसमें दो आई, अगर आप रिमोट कंट्रोल कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको जो है इसमें दो आईसीज और यूज़ करनी पड़ेंगी, एनकोडर आईसी एंड डिकोडर आईसी, जो कि एक ट्रांसमीटर के साथ में यूज़ होगी एंड एक रिसीवर के साथ में। उसके ऊपर मैं अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं जो है आपको दिखाऊंगा कि एनकोडर आईसी डिकोडर आईसी किसके साथ में कैसे यूज़ होती है। अभी के लिए जो है ये मेरे पास आरएफ ट्रांसमीटर एंड इसको जो है अभी सिंगल चैनल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको जो है सिंपल यूज़ कर सकते हैं। एनकोडर आईसी डिकोडर आईसी को यूज़ किए बिना इसमें जो है थोड़ी सी नॉइज़ रहती है एंड उसको आईसीज को लगाने के बाद में इसमें जो है नॉइज़ कम हो जाती है। तो ये है हमारा एक लीनियर हॉल सेंसर जो कि है WHS-49E। तो ये है एक लीनियर सेंसर, लीनियर हॉल सेंसर। एंड एक और है मेरे पास में हॉल सेंसर जो कि है बाइपोलर सेंसर जो कि है WHS-130। तो ये हैं दोनों हॉल सेंसर्स, मैंने पांच पांच पीस मंगा रखे हैं एंड इसके ऊपर मैं बताऊंगा मैं आपको, इससे जो है BLDC मोटर वगैरह हम रन कर सकते हैं इजीली। तो यही था कुछ हमारा, मेरे कंपोनेंट्स जो कि मैंने मंगाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से एंड इसमें जो है आप कूपन यूज़ कर सकते हैं कैपिटल में PREPAID20। आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले पर भी शो हो जाएगा अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो। तो यहाँ पर जो है यही सारे कंपोनेंट्स थे जो मैंने यहाँ पर मंगा रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।